गुड मॉर्निंग। सोलर पॉइंट चैप्टर 9 में एग्जांपल सेकंड डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें इस फंक्शन एफ जेड की इस पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। टू फाइंड द पोल्स, टू फाइंड द पोल्स, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू, पोल्स फाइंड आउट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करेंगे, देन न्यूमरेटर को जीरो पुट करोगे। इस एग्जांपल सेकंड में मोस्टली डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके सिंगुलरिटीज फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ये है 1+e^z इक्वल टू जीरो। यहाँ से फाइंड आउट हो गया e^z इक्वल टू -1। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पर कि -1 को एक्सपोनेंशियल टर्म में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से -1 है, e^z इक्वल टू e^z, जनरल इसका वैल्यू आयोटा इंटू 2n+1 इंटू पाई, e^iota 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, n जो है जीरो प्लस माइनस वन, वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है देखो। ये है e^iota 2n+1 इंटू पाई, तो e^iota और थीटा की ये वैल्यू है, तो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, cos 2n+1 इंटू पाई प्लस आयोटा e^iota थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2n+1 इंटू पाई, पाई है ये। n इक्वल टू जीरो लें, n इक्वल टू जीरो से ये होगा cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। ठीक है, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, cos n पाई -1 raised to the power n होता है, तो cos पाई की वैल्यू -1। वैसे भी cos 180 को सॉल्व करके देख लेना क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग, -1, और sin पाई जीरो, तो ये वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से यदि n इक्वल टू 1 लें तो cos 3 पाई प्लस आयोटा sin 3 पाई। ठीक है, तो cos 3 पाई -1³ प्लस 0, तो ये हो गया वैल्यू -1। इसी तरह से n इक्वल टू 2, 3, 4 पुट करके सॉल्व करके देख सकते हो, सभी में ये वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसका जो वैल्यू है जनरल, -1 को एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तब उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पर 2n-1 भी ले सकते हो आयोटा, जैसे ये है e^iota 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, फिर इस केस में n की वैल्यू जीरो नहीं होगी, n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करोगे, +-1 +-2 +-3। ठीक है, तो ये नहीं कि ये 2n+1 से ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, -1 भी ले सकते हो, बट उससे फिर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, 0 को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह से -1 का जनरल जो वैल्यू है वो आयोटा इंटू 2n+1 इंटू पाई हो गया। जैसे यहाँ पर 1 होता, 1 और -1, ठीक है, 1 होता तो जनरल वैल्यू क्या लेते, e^iota 2n पाई किसके इक्वल होगा, ये cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, ये हो गया। ठीक है, n इक्वल टू जीरो लो, n इक्वल टू जीरो से ये हो गया cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, cos 0 1, साइन 0 0, तो 1 आ गया वैल्यू। n इक्वल टू 1 से क्या होगा,
एन इक्वल टू वन पुट करके देखो, यहाँ पे एन इक्वल टू वन कोस टू पाई प्लस आयोटा साइन टू पाई, ठीक है, तो साइन एन पाई ये तो जीरो हो जाएगा और कोस टू पाई माइनस वन स्क्वायर, माइनस वन स्क्वायर वन। तो यदि यहाँ पर वन होता तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट करना होता, तो क्या लेते हैं यहाँ पर ई रेज टू द पावर आयोटा टू एन पाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो रफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर किया है, ठीक है, सीधे वैल्यू लोगे इसके ये और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करोगे। तो ई रेज टू द पावर जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर ये, ठीक है, तो इट इम्प्लाई जेड इक्वल टू आयोटा इंटू टू एन प्लस वन इंटू पाई वेयर एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही हो तो उसको माइनस वन और वन उसको किस तरह से ए की पावर्स में रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें पॉइंट, तो इसको अच्छे से क्लियर करना सके। ये हो गया, ठीक है। एंड टेंस टू इनफाइनाइट ले लो, क्योंकि अपने को जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर ही सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो इफ़ वी टेक लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट देन वी गेट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, मीन्स क्या हुआ, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट क्या है यहाँ पर, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, सो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि पोल्स को फाइंड आउट करके और फिर ये अपना जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है, तो इससे ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड, जो फंक्शन एफ जेड गिवन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट में फंक्शन एफ जेड कोसेक वन अपॉन, कोसेक वन अपॉन जेड, ठीक है, कोसेक वन अपॉन जेड है तो इसे वन अपॉन साइन वन अपॉन जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसने पॉइंट पूछा है एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड द पोल्स ऑफ फंक्शन एफ जेड वी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, साइन वन अपॉन जेड इक्वल टू साइन एन पाई, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, वन अपॉन जेड इक्वल टू एन पाई, जेड इक्वल टू वन अपॉन एन पाई एंड टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पर पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू जीरो इज वही डिनोमिनेटर को जीरो पुट किया है, तो ये क्या होगा, आइसो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है, ये हो गया अपना लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, जेड इक्वल टू जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, सो जेड इक्वल टू जीरो इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो इस तरह से एग्जाम्पल सेकंड के वन टू फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, फोर्थ के दोनों पार्ट करवा दिए थे आप लोगों को, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन वन प्लस जेड की पावर फोर, इसकी इस पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यूज गिवन है प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री और ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के वन टू सेवन पार्ट है उसमें,
तो इजीली सभी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आज इसका सभी प्रैक्टिस करोगे, सॉल्यूशन करके देखोगे। ठीक है, इजी इजी पार्ट्स हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो देखो इसमें कोई ये है, ठीक है, पोल्स फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो पुट करोगे, टू फाइंड द पोल्स वी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, जेड की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू जीरो, जेड की पावर फोर इक्वल टू माइनस वन, जेड की पावर फोर इक्वल टू इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में इरेज टू द पावर आयोटा टू एन प्लस वन इंटू पाई। ठीक है, एन की वैल्यूज क्या बताई थी, जीरो प्लस है यहाँ पे, तो जीरो से स्टार्ट करोगे, माइनस वन के फॉर्म में यदि इसको ले रहे हो तो फिर प्लस माइनस वन से स्टार्ट करोगे, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, जेड की पावर फोर की ये वैल्यू है, पावर वन बाई फोर ले लो दोनों साइड, वन बाई फोर लोगे तो देन जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा टू एन प्लस वन इंटू पाई अपॉन फोर, इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा आर पाई अपॉन फोर वेयर आर इक्वल टू टू एन प्लस वन। अब r इक्वल टू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन को किससे रिप्रेजेंट किया है, r से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो r इक्वल टू ये है तो ये वैल्यूज n इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू वन प्लस माइनस वन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस वन, तो प्लस वन से वैल्यू आएगा यहाँ पे थ्री और माइनस वन से ये वैल्यू आएगी माइनस वन। ठीक है, तो ये वैल्यूज आएंगी, जीरो वैल्यू नहीं आएगी इसमें, आर की वैल्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करके देख लो, इसमें इन्हीं में ये वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, प्लस वन माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस थ्री। ठीक है, तो वैन आर इक्वल टू टू एन प्लस वन तो ये वैल्यूज अपना फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से पॉइंट आ गया, इसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी थी सिंगुलरिटी, जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा आर पाई अपॉन फोर आर इक्वल टू ये, तो ये क्या हो गए, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके ये पॉइंट आया है। ठीक है, इसमें लिमिट का तो यूज हो नहीं सकता, एन है नहीं इसमें। ठीक है, तो लिमिट तो लोगे नहीं, तो क्या कहोगे कि ये जेड इक्वल टू ये जो पॉइंट्स हैं ये फंक्शन एफ जेड के सिंपल पोल्स हैं, तो इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा आर पाई अपॉन फोर आर द सिंपल पोल्स ऑफ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बट कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ से इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, पावर वन बाई फोर ले लो और इसको आर से रिप्रेजेंट करो, देन आर इक्वल टू ये होगा तो ये वैल्यूज ये फाइंड आउट होंगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसको सभी सॉल्व करके देखोगे कि सिंगुलरिटीज के जो मेन मेन मेथड्स हैं वो सभी अपने आ चुके हैं, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी, सभी पॉइंट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को सॉल्यूशंस जो हैं वो करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट करके देखना, वन टू सेवन। ठीक है, किसी में प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व करवा देंगे, कुछ और इसके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।